नमस्कार, फिर से एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और मैं हूँ अभी पठार में, और बहुत दिनों के बाद वीडियो मैंने शुरू किया है, क्योंकि बहुत दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और धूप देखिए कितना धूप है इस तरफ। और यहाँ पे जो धान की रोपाई हुई थी वो अभी काटने का समय आ गया है, धान काटने का समय, क्योंकि कुछ दिन पहले बारिश हुआ था। बारिश की वजह से पानी बहुत जमा हो गया, उसको हम लोग खोलने के लिए आए हैं ताकि इसको काटने में हमको दिक्कत ना हो। और पहले खोल देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। और बहुत धूप है अभी। यहाँ पे जितने भी पानी थे सब खोल लिया, और पानी बहुत है इस बार, क्योंकि कुछ दिन पहले बहुत दबा के मतलब बारिश हुआ था, और बारिश की वजह से पानी पूरा इकट्ठा हो गया यहाँ पे। अभी इसको खोल लिया है क्योंकि धान काटने का समय आ चुका है, और कुछ दिनों के बाद धान काटेंगे, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। और यहाँ पे हम लोगों ने धान की रोपाई की थी, ये वाला देख सकते हो। अभी आगे जाना पड़ेगा, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। और अभी हम पठार से आ चुके हैं, और यहाँ पे वीडियो इतना ज्यादा नहीं किया क्योंकि बहुत धूप था, और मैं पूरा किशोर से मेरे को पूरा गंदा हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं करा। और वीडियो करने के लिए अकेले सब दिक्कत होता है, तो कोई बात नहीं है। और इस तरफ देखिए, पूरा देखिए अभी गोल्डन गोल्डन हो गया ये। अभी थोड़ा घूमने के लिए जाएंगे, थोड़ा मोटर ब्लॉक करेंगे, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को, आप लोग देखते रहिए। और अभी हम लोग जाएंगे जानौर में, जान को मैंने फोन कर दिया, वो आ रहा है, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। अभी हम दोनों आ चुके हैं, और जान इसको मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, और थोड़ा इवनिंग का टाइम है, थोड़ा घूम के आते हैं। चलिए अभी हम दोनों एक खूबसूरत जगह में पहुंच चुके हैं, और इस जगह से हम लोग आते हैं, मतलब इसी रास्ते से हम लोग जाते हैं और इसी रास्ते से हम लोग आते हैं, आप लोगों को बताइए। और कितने खूबसूरत देखिए बागान, पूरा हरियाली दोनों तरफ, मैं एक तरफ दिखाऊंगा आप लोगों को कितने हरियाली है। और दो महीने के बाद ये पूरा गंजा हो जाएगा, पूरा टकला हो जाएगा गंजा। अब मैंने बाइक ले लिया, और मोटर ब्लॉग आप लोग देखते रहिए। अभी मैं हूँ ढूढ़ आली में, और मौसम भी बहुत बढ़िया है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, अभी ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। लेकिन शाम को इस तरफ आने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि सूर्य देवता पूरा आँखों के सामने होता है, इसीलिए बाइक चलाने में थोड़ा दिक्कत होता है। सामने वाला जो गाड़ी आता है वो सूर्य देवता की वजह से देख नहीं पाते, तो एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा रहता है। इसीलिए मैं धीरे धीरे जाऊँगा और पहुँच जाऊँगा। अभी मुझे टाउन में थोड़ा सामान खरीदना है, और टाउन पहुँचने वाला हूँ, दो मिनट के अंदर मैं पहुँच जाऊँगा। और अभी मुझे कुछ सामान खरीदना था, और मैंने खरीद लिया, वो मैंने वीडियो नहीं करा, मतलब वीडियो ऑन करने के लिए मैंने स्विच नहीं दबाया, तो वीडियो ऐसे रह गया। बाद में देखा कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं है, आगे जाके आप लोगों को सब दिखाऊंगा। अभी मैं वापस लौट रहा हूँ, और एक मशीन भी मुझे देखना है, तो मैंने सोचा है कि वो मशीन मैं लाऊँ, थोड़ा बिजनेस के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। अभी देख के जाएंगे। आज तो टाउन में इतना भीड़ भाड़ नहीं है, एकदम ना के बराबर है देखिए। और स्कूल छुट्टी का भी समय हो गया है, तो भी इतना लोग नहीं रहे, और दूसरे दिन यहाँ पे पूरा भीड़ रहता है। आज पता नहीं आज स्कूल बंद था या खुला है, शायद खुला ही होगा। अरे मुर्गा जल्दी जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर आ जाऊँगा। और यहाँ पर एक धान का मशीन है, उसको पटक से जा कर देख के आते हैं। और ये मशीन कंपनी वालों कहते हैं कि इसमें जब चावल निकलते हैं उसके बाद इसको साफ सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बना के खाओ। मुझे नहीं लगता कि इसको साफ सफाई नहीं करना पड़ेगा, साफ सफाई तो करना ही पड़ेगा। और छोटा सा मशीन है, लेकिन बहुत दमदार है, बहुत ताकतवर है, और बहुत साफ निकलता है चावल। और ये देख लीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, और मेरे साथ आपको भी मैं दिखाया हूँ। अंदर यहाँ पर डाल सकते हैं आप लोग, छीन के द्वारा ऊपर खींच के ले जाते हैं, उसके बाद चावल निकल जाते हैं। बाकी आप लोगों को पता ही होगा, आजकल वीडियो में बहुत इसको ट्रेंडिंग में है ये जो मशीन है, तो ठीक है मैंने देख लिया। और इसका कीमत 2 लाख बता रहा है, तो ठीक है।
यहाँ से मैं आ चुका हूँ और डेली ब्लॉग के बारे में आप लोगों को बताया था। और आजकल वीडियो बनाने के लिए मुझे मन ही नहीं करता है, क्योंकि चैनल पे एक वार्निंग स्ट्राइक पड़ा है और इसके वजह से चैनल पूरा डेथ हो गया है। डेथ मतलब व्यूज़ नहीं आ रहा है। पता नहीं, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे क्या करना पड़ेगा। अभी जो आजकल एक नया फीचर आ गया है कि आप वार्निंग स्ट्राइक को आप हटा सकते हो, लेकिन कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा और हमसे हो नहीं पा रहा है। एक बार मैंने कोशिश करा था लेकिन हो नहीं रहा है। पता नहीं कैसे इसको मैं उठाऊं और इस वजह से मेरा चैनल पूरा कोमा में चला गया है और इसीलिए मेरा व्यूज़ नहीं आ रहा है। यूट्यूब वाले मुझे मेरा वीडियोज़ को पब्लिक तो नहीं पहुँचा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो मुझे इंस्टा में फॉलो करके मुझे DM कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा हेल्प कीजिएगा। और वीडियो को इतना ही रखते हैं। मुझे पता है कि वीडियो में इतना खास नहीं है, तो मैंने बहुत दिन वीडियो नहीं डाला था तो थोड़ा बहुत ऐसे मुझे डाल दिया है। मैं कोशिश करता रहूँगा कि उस स्ट्राइक को मैं हटा सकूँ, क्योंकि आजकल जो वार्निंग स्ट्राइक है और सवाल का जवाब देने के बाद आप हटा सकते हो। पहले इसको सही करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं वीडियो डालूँगा और ऐसे ही आप लोगों के पास वीडियो आते रहेंगे। ऐसे छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, क्योंकि एक बार काम कर लिया तो कर लिया और रास्ते में तो दिक्कत आएंगे ही आएंगे। उस दिक्कत को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना है। उस अभी खूबसूरत चाय बागान के अंदर मैं आ चुका हूँ और शाम को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आजकल तो ठंडे का मौसम है और जल्दी जल्दी अंधेरा हो जाता है हमारे यहाँ पे, 4 बजे के अंदर पूरा अंधेरा हो जाता है।